सर कल हमने टाइम के क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक शाबाश, इसलिए तो रखा हुआ है मैंने इनको, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले पहले मैं ना सिलोजिज्म पहले मैं सिलोजिज्म बनाते बनाते मेरे को याद आया, अरे मैंने कल इनको घड़ी तो दिखाई नहीं है ना। घड़ी दिखाना जरूरी है भाई, वक्त की अहमियत पता होनी चाहिए। क्या बोलते हो कनिष्क? कनिष्क कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ध्यान से सुनो बेटा, कुछ नहीं करते हैं, दो काम है, ठीक है। एक काम होता है मिरर इमेज और एक काम होता है वाटर इमेज, हाँ है ना। कितना भी टाइम दिया हो, मिरर इमेज के लिए 2360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना भी टाइम दिया हो वाटर इमेज के लिए कितसे 1830 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? Yes. सुन लो बेटा, जैसे ये मिरर में कितना टाइम देखने को बोल रहा है आपको, 248 को देखने को बोल रहा है ना बच्चे। Yes, sir. तो कुछ yes, मत sir. करो, ये टी की जगह लिख दो 248। समझ में आया? तो ये बन जाएगा कितना, 12, आया ना। यस ओ नो? क्लियर? यस ओ नो? यस सर। और ये बन जाएगा 21। 21 को हम 9 कहते हैं और ये 12 मिनट, तो हमें दिखाई देगा 9:12। समझ में आया? क्लियर? एएम या पीएम अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सर मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो बेटे। सर हम 23 hours 60 minutes क्यों लिख रहे हैं, हम 24 hours क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि फिर वहाँ पे 00 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगी, मिनट का कोई आपको कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हो मिनट को। यस सर, माइनस करने में इजी होगा। नहीं, माइनस करने में इजी होगा लेकिन मिनट का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा ना। देखो, सोचो अगर आप यहाँ से 24 सब्ट्रैक्ट करते है ना, श्योर, तो आपको कितने बज रहे होते दिखाता, वो बोलता 10:48 हो रहा है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपने मिनट को क्रेडिट दिया ही नहीं, मिनट को भी तो क्रेडिट दोगे ना, इसीलिए, ठीक है। यस सर। और सर वाटर इमेज से ये 1830 क्या है सर? फिर से बोलो। हाँ, तो वाटर में हम 6:30 से घटा, क्यों? तो देखो ध्यान से, है ना सर, एक्चुअल में हम लोग 248 को इन्वर्ट नहीं कर रहे। फिर से बोलो बेटा। सर मिरर इमेज में हम लोग 248 2 आवर्स 48 मिनट्स को इन्वर्ट नहीं कर रहे, जैसे ऑब्जेक्ट को करते। तो देखो होता क्या है, ये तो तुमको भी पता है कि अगर हमको ये बनाना होता तो हम खुद भी बना सकते हैं। ये मान लिया मिरर है, आया ना, 248 कैसे बचते हैं बताओ। बोलो भाई, 248 ऐसे बचते हैं ना कि सर जी आर हैंड जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, राइट, और मिनट हैंड जो होगा वो, राइट और नॉट? यस होगा। तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो ये ऐसा और ऐसा दिखेगा, राइट और नॉट? यस। क्लियर? तो ये 9 से ऊपर होगा, 9 और 10 के बीच में होगा ये वाला पार्ट, और 3 आया ना और 2 के बीच में होगा ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 9:12। समझ में आया? क्या होता है कि ये, जैसे ये 48 वाला पार्ट ना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है भाई, सीधे कांटे होंगे तो आप चित्र से बना सकते हो, समझ रहे हो बात को? यस, ठीक है, सीधे काटे आप चित्र से बना के समझ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े काटे 48 51 ये वाले जो काटे हैं ना वो आपको चित्र में बहुत तकलीफ देंगे। क्लियर और नॉट बेटा? यस यस ऑड 17 पीपल हु आर लेट, आई हैव वेलकम देम, अलाउड देम, नो प्रॉब्लम। ओके मोहित, थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक्स अ लॉट।
बात समझ में आई जनता? इसीलिए मिरर वाले यानी ये चित्र वाले स्टेप को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूंगा तुमसे कि सवा बारह का क्या होगा, वो तो तुम फटाफट बता दोगे, क्योंकि सवा बारह में जो मिनट वाला काटा है, देखो आर वाला काटा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब कौन करेगा, मिनट वाला काटा, है ना? यस सर। बात समझ में आई एवरीवन? तो अब आपको बस ये वाटर इमेज का अब भी क्लियर नहीं हुआ। फिर से बोलो बेटा, वाटर तो अभी हमने किया ही नहीं, अभी हमने सिर्फ मिरर किया बेटे, ठीक है? ठीक है सर, एक बार बता दीजिएगा सर 1830 से क्यों माइनस करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शो ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई, बढ़िया मिरर आ गया। अब देखो वाटर में क्या होगा बेटे, हमारे सारे चेंजेस इस एज पे होंगे ना, है ना? Yes. और यहाँ कौन बच रहा बन रहा है, समझ में आई बात? देखो मिरर में हमारी सारी सिमेट्री इस लाइन के अक्रॉस होती है, राइट? वाटर में हमारी सारी सिमेट्री इस लाइन के अक्रॉस होती है, तो यहाँ पे कौन बचता है, 6.5 बचते हैं ना, और 6.5 को बड़ी वाली भाषा में क्या कहते हैं, 1830 कहते हैं ना, इसलिए चमक गया। Yes. Clear? बस तो अब अपने को ये याद रख के गेम खेलना है और जीत भी जाना है कि भाई अगर वो हमसे मिरर इमेज पूछेगा तो हम 2360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर वो हमसे क्या पूछेगा, वाटर इमेज पूछेगा, वाटर इमेज का एग्जांपल देंगे। हाँ ये है ना, ये सामने ही है, देखो बेटा 248 है ना, क्लियर? चित्र बना के भी दिखाऊं क्या? वैसे अगर कोई पूछता आपसे 248 वाटर में क्या दिखेगा, तो आप लिखोगे देखो 18 लिख दो, 30 लिख दो, 2 लिख दो, 48 लिख दो, हाँ है ना? यस और नो, कितना जाएगा बोलो जल्दी। वन सर 422 आएगा क्या? 1590। बहुत बढ़िया, यहाँ 10 जाएंगे, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, आया ना? फिर से आप एक बार क्लियर हो ना? यस श्योर। तो कितना हो जाएगा सर वो 1580 होगा ना सर, वो 1582 आएगा, लेकिन फिर उसको 82 को 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है, इसलिए एक मिनट, किसी किसी की आवाज कट रही है, पहली बात तो ये, दो लोगों की आवाज इंटरसेक्ट हो रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, एवरीवन ओवर द चैट इज माय वॉइस क्लियर, सेंड मी अ नंबर 9। बढ़िया, अब जो बीच बीच में बच्चे कभी भी बोलना हो ना, तो एक बार अपना नाम बोल दिया करो तो मुझे इजी होगा मुझे किसको रेफर करना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, कहने को तो एक और तरीका है इसको कहने का, लेकिन मैं तुमको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखवाना चाहता। एक स्टेटमेंट दुनिया के लिए कहती है, एक स्टेटमेंट क्या कहती है सुनो, एक स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर टाइम 30 मिनट के अंदर का हो तो राइट इट एज 1830, और अगर 30 मिनट से ऊपर का हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1790। बात समझ रहे हो? यस सर। श्योर? देखो 1830 बोलना और 1790 बोलना, क्या दोनों सेम बात है? 5 बजे के बाद 1.5 आवर और 6 बजे के बाद 1/2 आवर, सेम ही है ना? यस सर। बढ़िया, ओके सर। हाँ बेटा बोलो सर, ये आफ्टर और बिफोर वाला बताइए ना, आफ्टर और बिफोर, ये 90 वाला ना? यस सर, ये जो 1830, देखो जैसे ये देखो, ये देखो ये वाला जो टाइम है बेटा, ये 48 है, हाँ है ना? यस सर। 48 मिनट 30 से ज्यादा है, हाँ है ना? यस सर। तो
एक थ्योरी है जो कहती है, जो आपको क्या होगा कि आपको फर्दर दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या होता है, याद रखने में इंसानी फितरत क्या होती है, एग्जाम एंजाइटी में आप इसको 1790 की जगह 1819 ही लिख दोगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना भाई, राइट? इसलिए मैं नहीं बताता हूं, लेकिन अब बता दिया है तो सुन लो ध्यान से। जब भी अगर मिनट 30 से ज्यादा हो तो आप 1830 को 1790 लिखकर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते कि भाई 1790 में से 248 गया तो आपको थोड़ा सा जल्दी आंसर मिलता, समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। 342 है ना। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई सुनो ऐसा है, क्लियर है ना? यस सर। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है उसको फर्दर कन्वर्ट करो, तो मत करो ऐसा, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? देखो पहली बात तो अगर नोट्स बना रहे हो तो रूल लिख लो, क्या क्या रूल्स हैं, देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, सुनना ठीक है। नंबर वन, मिरर इमेज नो कंफ्यूजन, ओके। वॉट एवर इज द टाइम गिवेन यूज 2360, यस और नो? हाँ बेटे, 1830 या 1790 से अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं, रुक जाओ ठीक है। चलो ये वाली बात समझ में आई, क्लियर? अब दूसरा क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो बेटा। 1813 और 1719 से 1790 से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं? नो सर, नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो देखते हैं, अभी अपन पहले करके देख लेते हैं, ठीक है। 1830 से 248 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 8 गए 2, 12 में से 4 गए 8, आया ना? ये सुनो, और 17 में से 2 गए 15, राइट? क्या मैं गलत हूं या सही हूं? आंसर अलग आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आंसर आ रहा है 1542 और यहाँ पर आ रहा है 1582, है ना? एक बार वही कंफ्यूजन था, 8 में से 4 गए। सर पर हम यहाँ पे आर्स के बेसिस में नहीं चलेंगे क्या? नहीं नहीं बेटा, आर्स के बेसिस में तो चलेंगे लेकिन टाइम सेम आना चाहिए ना। 17 हो जाएगा यहाँ पे, 17 में से 2 गए 15, सही है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये कैसे हो रहा है भाई, एक बार जरा मैं चित्र बना के मेरा कॉन्सेप्ट रेक्टिफाई कर लूं, ठीक है सर? आपको एक्चुअल में 30 में ना 60 मिनट ऐड करना चाहिए। रुको रुको रुको। यस सर। यस सर, सो बिकॉज़ वी आर कैरिंग 1 आवर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो इट शुड बी 60। यस सर। रुको रुको रुको। हां क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपको 30 में 60 मिनट ऐड करना चाहिए। किस बात? सर वो 7 9 बन जाए। सर बिकॉज़ वी आर टेकिंग 1 आवर। यस सर। तो सर तो आप जब 3 में ऐड कर रहे हैं तो आप पहले एक मिनट एक मिनट आराम से बहुत बहुत रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जाओ रुक जाओ। एक व्यक्ति बोलो कि आप किस मेथड की बात कर रहे हो, 1830 की बात कर रहे हो या 1790 की बात कर रहे हो? सर 1830। क्या बोल रहे हो बेटा 1813 में? जो पैटी वॉइस आई थी वही बोलेगा अभी, रुक जाओ। बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो बोलो। सर आई एम सेइंग कि वी आर कैरिंग 1 आवर इन द मिनट सेक्शन, सो इट शुड बी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, सो वी शुड ऐड 60 मिनट्स इनटू। हां तो ये बन ऐसे, तो फिर ये बज रहा है सर, देन इट विल बिकम 1790, 4:22 मिनट हो जाएंगे, आया ना?
सर पर 18 कम होगा ना सर, 18 में से 18 को हम 17 बना देंगे क्योंकि हमने एक ओवर उस मिनट में ऐड किया था। यस सर, यस सर, सर बनेगा 17। हम कैरी लेंगे लेकिन आपने 1 लिया है ना तो वो 60 लेंगे हम, तो फिर वहां पे वो 17-90 बन जाएगा इनडायरेक्ट। भगवान मैं गधा हूं ना, यही तो बात है, मैं कर सही रहा हूं लेकिन कर गलत रहा हूं। ओहो जीवन इतना कठिन क्यों है भाई। आंसर तो यही होगा, हाँ है ना? यस तो इसलिए सर नहीं समझ गया। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, मेरी गलती समझ गया। मैंने कैरी लिया वन, लिख दिया वन, लेकिन मुझे लिखना 60 था वहां, है ना सर? यस वही ना, ब्रूम सही किया गलत कर दिया। जीवन जो है ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए? तो अपने को ये याद रखना है कि भाई नो कंफ्यूजन, मिरर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जीवन पर्यंत, लेकिन वाटर इमेज में आपको ध्यान रखना है। वाटर इमेज व्हेन मिनट्स आर लेस देन 30, यस और नो, तो आपको यहां 1830 यूज करना है। और वाटर इमेज व्हेन मिनट्स आर ग्रेटर देन 30, तब आपको यहां पर 1790 यूज करना है और आंसर दे देना है। सर अगर लेस देन 30 होगा, हमने 1790 यूज किया तो गलत आएगा? तो गलत नहीं आना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि शॉर्टकट कर लें इसको, एक ही चीज याद रखें सर, 1830 को भी आखिरी में बताता हूँ क्यों। सुनो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, सुनो, अगर आप वहां पर 1719 से 10 मान लो, कोई किसी ने बोला बच के 10 मिनट, आया ना सम बच के 10 मिनट, तो वहां पर 80 आएगा। आप फर्दर उसको कन्वर्ट करोगे ना, बस उसी चीज को तो अवॉइड कर रहे हैं, वही कंफ्यूजन तो अब भी मेरे को हो गया और अपने 5-7 मिनट खराब हो गए, है ना बेटे? समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। बढ़िया, तो अब जरा फ्रेशली इस क्वेश्चन को करो। पहले सिर्फ मिरर इमेज निकालो, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? जल्दी ओवर द चैट, 12-6 बढ़िया, आराम, चैट काम नहीं कर रहा जिनका, 12-6 बट हाँ बढ़िया। तो आपको कुछ नहीं करना था, 2360 में से 1154 को सब्ट्रैक करना था, यहाँ 06 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है, ये आंसर सही है। अब अगर मैं इसी की, ये मिरर इमेज है ठीक है बेटा, अगर मैं पूछूं वाटर इमेज का क्या होगा, तो आप 1790 यूज करोगे, हाँ है ना? क्यों? 54 ही मोर देन 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या लिखोगे आप? 36। 1154 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 36। पक्का? यस सर। श्योर? इजी हो गया, कंफ्यूजन नहीं है? यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड, अगले क्वेश्चन पे जाए। यस सर। ये देखो सुंदर क्वेश्चन, शाबाश, मिरर इमेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 2390 लिखा, देखो ये दही बन गया है, समझ रहे हैं? आया ना, यहाँ 60 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 20, टोटल हुआ 9, राइट? अब वाटर इमेज निकाल दो बलिया, फटाफट फटाफट वाटर इमेज भी निकाल दो। सर 3, 1830 यहाँ पे, 3 o'clock, 3000, 3 o'clock कहाँ से जाएगा? 3:30 होगा। हाँ यार, Yes, sir. 330 is 330. Yes or no? Yes, sir. सोच के देखो ना, देखो yes,
सोच के देखो, ये तीन ऐसे बचते हैं, हाँ या ना सर? इसको एक्चुअली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 90 में आएगा, तो कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। तो नहीं बेटा सुनो, यहाँ जीरो लिखा था ना, इसलिए वो जल्दी होता है। क्या बोला? जीरो लिखा है, जीरो 30 से कम है तो डायरेक्टली 1830 यूज कर लो, राइट और नॉट? आप 1790 यूज करोगे तो थोड़ा सा कन्वर्जन लगेगा, है ना? एक स्टेप बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में, क्लियर? कॉपी पे एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है दिमाग में एक स्टेप बढ़ा लो। बोलो बेटे। सर हम लोग 1830 को 630 लिख सकते हैं। 1830 को 630 मत लिखो, क्योंकि जब 11 बज जाएंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। समझ में आया? यस सर। समझ में आ गई कि नहीं बात? यस सर। तो आपको फिर एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि यार अगर टाइम 6 बजे से ज्यादा का है तो 1830 लिखो, 6 बजे से कम का है तो गड़बड़ गड़बड़ एंड ऑल दैट, राइट? तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, राइट और नॉट? ठीक है। यस सर। यस बढ़िया। अगला सर। हाँ बेटे। सर अगर एग्जैक्ट 30 दिया है, मतलब अगर 330 दिया है और इसका वाटर इमेज निकालना है, तब हम कौन सा वाला यूज करेंगे? हाँ, 330 दिया है और हमें वाटर इमेज निकालना है, तो हम यूज करेंगे कोई भी दोनों में से, ठीक है? लेकिन मेरा प्रेफरेंस जाएगा 1830 को, क्योंकि वहां ना मेरे को जीरो मिल जाएगा, मेरे को काउंट नहीं करना पड़ेगा। और 1790 को जाऊंगा तो वहां 60 मिलेगा, तो मेरे को एक आर ऐड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना बेटे? यस सर। क्लियर? बढ़िया। तो हाँ भाई बोलो। सर 150। सर 150। बढ़िया, ये मिरर इमेज हो गई 150। कोई शक? वाटर इमेज के साथ क्या हुआ भाई? सर 320। अरे शाबाश सर, 820। सर 820 आ रहा है। 820। बहुत बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो। अरे शाबाश, खिलाड़ी हो गए भाई लोग। मिरर इमेज 2360, यहाँ आएगा 1125, है ना? ये 45 हो जाएगा क्या? नहीं, 35 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 1235। और वाटर के साथ क्या हुआ बेटा? तो 665 then. क्या बात? 565। आसान हो गया, मजाक मजाक में कर ले हो गए ये क्वेश्चन, है ना? बढ़िया। अब ये इनकी वाटर इमेज निकालो भाई। हाँ बेटे बोलो। सर फर्स्ट वाला। सर कैन यू रिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इमेज? हाँ ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा। वाटर इमेज ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पे एक लाइन खींचो बेटे, ठीक है? ये वाला डॉट यही बन जाएगा, आया ना? ट्राइंगल उल्टा बनेगा। इस वाले का नहीं सर, वाटर ये टाइम ऑफ क्लॉक। हाँ तो कुछ नहीं करना बेटा, वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक में आपको दो चीजें देखनी है, वेदर द मिनट पार्ट इज ग्रेटर देन 30 और लेस देन 30। इफ इट इज लेस देन 30 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1830, इफ इट इज ग्रेटर देन 30 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1790। गॉट इट? ओके बढ़िया। हाँ भाई, तो इसका लोग अल्फा चिल्ला रहे हैं, अल्फा 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 सही नहीं है? सर पर बीटा, क्योंकि अल्फा का
नहीं बेटा देखो ट्राइंगल की नोक तो ऊपर होनी चाहिए, बात समझो इस बात को। यस सर फर्स्ट टिप्पी है ना, ये टिप्पी ऊपर होनी चाहिए, तो ये वन हो सकता है थ्री हो सकता है, क्लियर है ना। उसके बाद साइड चेंज नहीं होते, तो ये डंडी जो है वो सेम साइड में होनी चाहिए, सेम साइड में वन में है थ्री में नहीं है, बात समझ में आई? यस पक्का? यस सर। हाँ बेटे बोलो। सर प्लीज आस्क देम नॉट टू आंसर बाय स्पीकिंग। हाँ भाई ये बात भी सही है यार, दोस्तों का कंसंट्रेशन चल जाए। जो लोग चैट में आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो मन में रखो बस, ठीक है? ये थोड़ा सा अपने ज्यादातर दोस्तों यहाँ पर है ना चैट में, ठीक है? ठीक है बच्चे, वैसे कितने दोस्त आ रहे हैं आजकल? अरे 93 भैया, गजब क्या बात है। एक समय था कि तुम लोग 40-45 तक पहुंच गए थे, अभी 93 इज गुड, लोगों को पढ़ने का मन कर रहा है, क्या बात है। हाँ भाई लहरें, लहरों के साथ बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखो चौथा तो होने से रहा, उसका शेप ही चेंज हो गया है ना, ये पानी के मिरर में पत्थर फेंक दिया, ठीक है। शाबाश 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 सेकंड। तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ एक लाइन खींचो, आया ना, ये वाली टिप्पी दूर आएगी और ये वाली टिप्पी पास आएगी, आया ना, क्लियर। तो ये लाइन ऐसी दिखेगी, ऐसी दिख रही है सेकंड में, क्लियर। दिख थर्ड में भी रही है, लेकिन ऊपर वाला भरा होना चाहिए, नीचे वाला खाली होना चाहिए, ठीक है, वो है सेकंड में ना कि थर्ड में, क्लियर। अरे श्री भाई साहब सो जाओ नहीं तो सीरी को हटाओ ना, ठीक है, बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो, एवरीवन ओवर द चैट। बढ़िया, नेक्स्ट। ओ ये तो बहुत सारी लाइनें हैं, हम कल लाइनों के बारे में बात कर चुके हैं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। वो लोग जो बोलना चाहते हैं फोर बोल रहे हैं सभी लोग? लेकिन समस्या ये है, ठीक है, कि है ना ये वाला पार्ट है एक, क्लियर, वो यहाँ दिखना चाहिए, राइट और नॉट? ओके, वो दिख रहा है 1 2 3 में, सॉरी 4 में, 1 2 4 में। अब हो क्या रहा है सर, 2 तो वैसे ही भाग गया है और 3 भी वैसे ही भाग गया है, शेप ही अलग है इसमें, आया ना, थोड़ा सा 1 और 4 में कंफ्यूजन का स्कोप था सर, वो सेकंड कोई भी एक और लाइन ड्रॉ कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपका। एवरीवन जी आई गॉट इट, वेरी शाबाश, ये अरे बाप रे, ये है सही क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन बनाने वाले, इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी तो नहीं हो सकती। तो देखो दोस्तों जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए बोल रहा हूं, यहां एक लाइन खींच लिया करो, ठीक है, ओके, और यहां बन गया सेम टू सेम सर्कल, ये वाला डॉट यहां आ जाएगा और ये वाला डॉट यहाँ आएगा, तो पहला नीचे वाले ऊपर में होगा तो इसमें वैसा ही पार्टीशन जैसे दिखा, तो 1 हट गया, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, हाँ है ना, ठीक, ओके, ये वाली लाइन जो है ये लाइन से, तो इसका एक का डॉट यहाँ ले लिया, ये वाला डॉट यहां आ जाएगा, तो ये लाइनें ऐसी दिखनी चाहिए, कहो हाँ,
अब ये कहां दिख रही है, वहां जीत गए, तो थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां आना चाहिए, सो आंसर इज क्लियर। आराम से करना क्वेश्चन को जल्दी भाई, सर सिर्फ डार्क शेड साइड से ही आंसर क्लियर हो जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया, कितना सही खेल रहे हैं यार तुम लोग, मजा आ रहा है बॉस। ये क्या हो रहा है भाई, कौन सा सोलर प्लैनेट है ये, तेज हो गए, अरे तेज, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज। किसी ने तीन भी लिख के भेजा, जरा देख लें, तीन और दो में कंफ्यूजन है क्या? तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये नहीं सर, तीन तो उसकी मिरर इमेज है, ये हो जाएगा है ना सर, तीन लाइन के नीचे डॉट आना चाहिए, लाइन के नीचे डॉट आ रहा है, थर्ड में लाइन के ऊपर ऐसे है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गए, तेज, बहुत ज्यादा तेज। एनीवन डाउट बेटा, तीन वाला दोस्त मेरे, डाउट तो नहीं है, क्लियर? नो सर, ये का सर सिमिलर क्वेश्चन सर मैंने कल किया था सर, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। नो प्रॉब्लम सर, इसमें मिरर इमेज था। अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो 1 और 6 दिखना चाहिए ऊपर, है ना, वो यहां दिख रहा है सर, ऑप्शन टू पक्का? यस सर पक्का, बिल्कुल सोच लो। यस सर, यस सर सोच लिया, सही है, ठीक है। हाँ भाई, कोई दोस्त ऐसा जिसको तकलीफ? यस सर, एक बार समझा दो। बढ़िया, ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, कुछ मत कर बेटा, ये मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। आपने यहाँ लाइन खींची बच्चे, ओके, ये वाला पार्ट यहाँ बन गया, ये वाला पार्ट यहाँ बन गया, और ये वाला लाइन है ना यहाँ आ चुका है, और ये वाला थोड़ा नीचे, यस और नो? इतना बना कि नहीं बना बताओ, इतना ही बनाना है बस, ठीक है। इसके बाद आपने कहा ठीक है, यहाँ एक डॉट लगा हुआ है और यहाँ 6 डॉट लगे हुए हैं, राइट और नॉट? ओके, तो देखो ध्यान से देखो, मैंने जो 1 मार्क किया है, ये लाइन का शेप और ये लाइन का शेप मैच कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा शेप होना चाहिए, वी बनना चाहिए यहाँ पे, वी कहाँ कहाँ बन रहा है, आया ना, जहां पे 1 और 6 लिखा हुआ है, क्लियर? वो बन रहा है 2 में, 3 में भी बन रहा है, लेकिन 1 और 6 की पोजीशन फ्लिप्ड है, आया ना, ओके? और 4 में भी बन रहा है, लेकिन 1 और 6 की पोजीशन फ्लिप्ड है, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आई बच्चे? एवरीवन? यस सर। सर 3 में भी नहीं बन रहा है ना? क्या नहीं बन रहा है ना, ओके, गुड। अरे ये तो सरल है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, अब ये तो बच्चा है। फोर 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 चिल्ला रही है जनता, तो बढ़िया है। ये ऐसे करेंगे, सबसे पहली बात तो ये डब्बा ऐसे ही बन जाएगा और ये एरो भी ऐसे ही बन जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, आया ना, ऊपर बनेगा डब्बा, क्लियर? और ये वाली सेकंड तो वैसे हो जाएगा, क्लियर? क्या बेटा? सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, लाइक आपने जो टिक मार्क किया है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मैंने सिर्फ एरो मैच किया बेटा, मैंने सिर्फ एरो मैच किया, सिर्फ एरो, ओके ओके ओके। अभी मैंने सिर्फ पहले स्टेप में मैंने सिर्फ एरो मैच किया, दूसरे स्टेप में मैंने ये वाली इमेज को यहाँ बनाया, तो देखो सेकंड गया और फोर्थ हो गया, आया ना? यस
श्योर बढ़िया और कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है मैंने एरो से शुरू किया आपको डार्क डब्बे से शुरू करने का मन है आप डार्क डब्बे से शुरू करो कोई ऐसा लिमिटेशन थोड़ी ना है वहां ऐसा चौकीदार थोड़ा का तू पहले मेरे को देख ऐसा कोई नहीं बोल रहा है बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गेम दो चीजों पे चल रहा है ट्रायंगल और सर्कल पे चल रहा है भाई है ना झूला तो सेम है इन्वर्टेड कॉमा वाला जो डायग्राम है वो तो सब में सेम है ना शो तो ट्रायंगल आपको उल्टा दिखना चाहिए उल्टा यहां दिख रहा है यहां नहीं दिख रहा है यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है बढ़िया उसके बाद ये वाली चीज आपको दिखनी चाहिए कुछ ऐसी कि ये ऐसा हो जाए ये ऐसा हो जाए ये वाला पार्ट नीचे डार्क हो बाकी सब सही तो नीचे डार्क कहां पर है सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है हम सेकेंड को पहले ही फेंक चुके हैं बच गया सिर्फ थर्ड वेरी गुड शानदार वेरी गुड शाबाश 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 उठाओ अरे यार तेज हो गए यार तुम लोग तो यार बहुत तेज यार बढ़िया मैंने कैसे किया मैंने पहला डिसीजन डॉट पे लिया एक डॉट यहाँ आना चाहिए एक डॉट यहाँ तो ये यहाँ पे मिल रहा है यहाँ नहीं मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है यहाँ नहीं मिल रहा उसके बाद ट्रायंगल पे किया है ना क्लियर ट्रायंगल पे नहीं भी करूँ ठीक है तो भी मेरे को समझ में आ चुका है कि भैया क्या हो रहा है राइट एवरीवन थ्री और शाबाश यार खिलाड़ी हो ठीक है बढ़िया नेक्स्ट फिर से परेशान करने लगे एक तो ये स्माइलीज का कॉम्बो बना के भेज देते हैं ना दिमाग अलग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है देखो वन और फोर कंफ्यूजन वैसे ही हो गया दोस्तों को फिर 144 फिर 111 बहुत सारे वन हो गए बनाओ 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 कोई ऐसा हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है ऐसे लाइन खींच लो ये वाली आंख का ऊपर वाला ब्लैंक होगा नीचे वाला डार्क होगा आया ना ऊपर वाला ब्लैंक नीचे वाला डार्क ऊपर वाला ब्लैंक नीचे वाला डार्क ऊपर वाला ब्लैंक नीचे वाला डार्क आया ना बढ़िया वन में तो है ही नहीं यार वन कैसे हो गया आंसर वन तो सिरे से फोर है फोर देखते से ही वन खारिज कर दूंगा मैं ठीक है बढ़िया 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 फिर आप आओगे कि यार देखो अब क्या देखें टू में देखेंगे ही नहीं क्योंकि टू में दूसरा वाला डार्क है भगा दो इसको है ना शॉप अब थ्री और फोर में अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सिर्फ ये डिफरेंस है राइट तो भाई ये वाला जब फ्लिप होगा तो ऊपर वाला डब्बा ब्राइट होना चाहिए राइट हैंड साइड में राइट इसलिए फोर शाबाश हाँ रुचि वेरी गुड वही बोला मैंने कि सेकेंड वाले में तो भैया ज्यादा लिपस्टिक लगा लिया अंकल ने या होंठ बंद करके हंस रहे विल बी बेटर हाँ भैया ओके आ गए हमारे नंबर दोस्त सर पहले नंबर को देख के पता चल जा रहा है बताओ मौका ही नहीं दे रहा है कंफ्यूज होने का है ना कंफ्यूज तो कर भाई तू थोड़ा मजा तो दिला ऐसे सिंपल सिंपल बॉल खिला रहा है यार राइट वेरी गुड शाबाश वेरी गुड अगला तो इस बार कम से कम पहले वाले में उसने निराश नहीं किया
है ना सर, पर दूसरे वाले में कर दिए, दूसरे वाले में काम किया, देखो दूसरे वाले भी सबसे में, हाँ दूसरे वाले भी सही है, तीसरे वाले तक ये दोनों फिल्टर हो चुके हैं, हाँ है ना, यस सर। बात चौथे वाले से हो रही है, एल उल्टा होके ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, राइट और नॉट, यस सर, बढ़िया। सर इसमें बस एक माइनर डिफरेंस है, क्या बताओ, तो वन और फोर में से कुछ सर थ्री है, जो थ्री और फोर में जो थ्री क्यू की जो लाइन वो गलत है, सर क्यू की लाइन, अरे वाह यार क्यू की लाइन तक भी देख ली तुम लोगों ने, बहुत तेज हो यार, सर क्यू की लाइन छोड़ी है वो तो दिख ही जाएगा, वो थ्री जो है ना वो बस थ्री और फोर में डिफरेंस है, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, पहला फिल्टर यहाँ लग गया, हाँ है ना, तो ये गया, यस सर, ये और ये बचा, तो जैसे जब आप एक फिल्टर लगा रहे हो ना फिर उनको देखना शुरू कर लो किसी भी एक दिशा में, तो जैसे मैं ये देखता जाऊंगा देखता जाऊंगा देखता जाऊंगा सब सेम चल रहा है, पहला ही डिफरेंस मिला क्यू, आया ना, क्यू देख लिया मैंने, क्यू देख लिया तो मुझे दिख रहा है यार कि ये डंडी की दिशा जो है वो इधर होनी चाहिए, आंसर फोर होगा, क्लियर सर, फाइव के नीचे एक डॉट है थर्ड में, थर्ड में फाइव के नीचे डॉट है, नहीं सर वो कुछ नहीं, अरे वो ऐसे हो गया होगा बेटा, ठीक है आंसर टू और फोर में नाइन का भी डिफरेंस था, हाँ बढ़िया, अगर आप यहाँ से चल रहे होते तो आप नाइन के डिफरेंस में पहले पहुंच सकते थे, नो प्रॉब्लम बेटा, किसी भी दिशा में चल सकते हैं ना, नेक्स्ट अकाउस्टिक, तो भैया सी का डिफरेंस हो गया है थोड़ा सा, है ना, बहुत बारीक गेम है सेकंड और थर्ड के बीच में भाई, बहुत ही ज्यादा बारीक, क्या बोलते हो, नहीं सर इसकी डायरेक्शन अलग है सर, डायरेक्शन अलग है, ठीक है सिर्फ एस को देख लो तो खत्म हो जाएगी बात, हाँ है ना, सिर्फ सेकंड वाला ऐसा क्योंकि सेकंड का एस उल्टा है, समझ रहे हो ना सर, सेकंड वाला सही लग रहा है, सेकंड सही है, यस सर, यस सर, वही सेकंड थर्ड वाले का उल्टा, अरे देखो, अरे सुनो सुनो, एस को देखो उल्टा करके तो ये वाला, हाँ यस सर, ठीक है, होके ऐसे बन जाएगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है, यस सर, क्लियर, अरे बेटा सुनो, वर्टिकली कैसे बनेगा, क्या बेटे, सर एस का वर्टिकली, वर्टिकल फ्लिप, ये ऐसा बन जाएगा, एस एक ऐसा लेटर है, एन एक ऐसा लेटर है जिनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लिप सेम होते हैं, ठीक है, शॉर्ट, बढ़िया, यस, आगे बढ़ जाओ, ले ये तो बहुत ही मजाक कर दिया इसने तो, छी घटिया क्वेश्चन है ये तो, छी, वन नहीं हो सकता रे, वन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ही नहीं सकता, आर देख के पता चल जाएगा, बोला मैंने कि घटिया क्वेश्चन, आर देख के पता, आर देख के पता चल जाएगा, वन हो ही नहीं सकता, आर देख के पता चल जाएगा, एकदम वन देख के मैंने बोला आर देखो, आर देखा तो यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ भी नहीं था, अरे यही एक है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सही खेल रहे हो, सही खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, करो बारिश, करो करो बारिश,
हाँ कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है देश की जनता को, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होता है देश की जनता को, बड़ा मजा आता है बेटा। वन नहीं हो सकता क्योंकि के मना कर रहा है। ठीक है शाबाश, टू हो सर, सिक्स भी मना, सर सिक्स ही मना। अच्छा तुम लोग ऐसे जा रहे हो, हाँ ऐसे जा रहे हो तो सिक्स मना कर देगा। ठीक है सर, बी में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, नहीं है। पहला सर, अच्छा पहले, ओ ओके, मेरे को लगा तुम वन और टू के कंपैरिजन में बोल रहे हो। वन और टू में कोई डिफरेंस नहीं है ना, सॉरी थर्ड तो वैसे ही रिमूव्ड है ना। यस सर। नेक्स्ट, फिर से सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही चले गए। और जे पे जाके सर, जे में डिफरेंस हो रहा है, जे पे जाके कहानी चेंज हो गई, राइट? यस सर, जे से पता चल रहा है कि वन होगा ऑप्शन। हाँ सर, फर्स्ट होगा। बढ़िया, जी ने निराश नहीं किया, आर ने थोड़ा सा फिल्टर दिया, छोटा सा फिल्टर, फिर नाइन ने फिल्टर सर, टू और फोर यहाँ पे कट जाएगा सर। हाँ वही वही वही, नाइन ने बड़ा फिल्टर दे दिया। बहुत बढ़िया। जी ने आपको कोई फिल्टर नहीं दिया, आर ने आपको फिल्टर दिया कि टू नहीं है, ठीक है? फिर नाइन ने आपको फिल्टर दिया, राइट और नॉट, कि थ्री हो सकता है और टू हो सकता है, टू तो वैसे ही नहीं है, राइट और नॉट, क्लियर? और फोर हो सकता है, सेवन भी कर, क्लियर? चल लेकिन फोर में एस, चलते जाए थे लेकिन फोर्थ में तो पहले एक एज पे एस खत्म हो चुका है ना, चौ तो फोर्थ भी गया, बचा कौन? तीन, सारे मैच जीत गया तीन। नेक्स्ट, निराश नहीं किया, क्लास नहीं है तेरी? हाँ बेटे, दर्शन क्लास नहीं है तेरी? 8:20 अरे बेटा दर्शन, तुम क्लास चालू करके सो गए, बताओ। दर्शन ने घड़ी को मिरर में देख लिया जाए। हाँ बेटे बोलो, वन और फोर में कंफ्यूजन क्यों बता रहे हैं क्या कि सर इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट तो फोर्थ में? सर आई थिंक बी का डिफरेंस अब क्लियर नहीं, अब ये देखो डिफरेंस क्या है, जेड का डिफरेंस, अगर जेड ऐसे करोगे तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, राइट और नॉट? यस सर, श्योर? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग कहां लेट हो गए यार आज? अच्छा वो क्लॉक में फंस गए थे ना एक जगह, हाँ ठीक है, ये तो मैं सिलोजिज्म पे पहुंचने की सोच रहा था आज। बढ़िया, वन, डी ने निराश किया, डी ने फिल्टर लगाया, डी ने फिल्टर लगाया, बोला टू और फोर को भगा दो, है ना? फिर जेड ने फिल्टर लगा दिया, आया ना थ्री? तो थ्री नहीं सर, थ्री ना बेटा, देखो जेड जो तो छोटा वाला साइड, तो जेड का छोटा वाला साइड थ्री में ऊपर है, बच्चर को नीचे होना चाहिए ना? नहीं उतना नहीं, वो नहीं है, इट्स अबाउट ओपन्ड फेस, ओके बेटा? हाँ सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो फाइनली पहुंचे,
एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, है ना। तो सुनना ध्यान से, जिनको बन रहा है बढ़िया अच्छी बात है, करते कैसे, मेरा पर्सनल तरीका बेटा, जैसे मैंने उस दिन कल भी बोला था, ठीक है, क्या करें, कुछ नहीं करो, डब्बे बनाओ, नो वॉचेस साइकिल, तो साइकिल की दुनिया अलग है, वॉचेस की दुनिया अलग है, हाँ ना, नो साइकिल इज मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल की दुनिया अलग है साइकिल से, सम ऑटोज आर मोटरसाइकिल, तो ऑटो और मोटरसाइकिल में थोड़ा सा मिलाप हो रहा है, ठीक है, श्योर, नो मोटरसाइकिल इज वॉच, ये तय करके नहीं कह सकते, ये फिक्स नहीं है यार, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, नो मोटरसाइकिल इज साइकिल, ये सही है, ठीक है, यस सर, श्योर, सम साइकिल्स आर वॉचेस, कुछ साइकिल वॉच हो सकती है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता, नो, ठीक है, All motorbikes are watches. नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है सर, आप फिर से बता सकते हैं कि सेकंड वाला सही क्यों होगा? No motorbike is cycle. Clear? तो बेटा कोई भी साइकिल अगर मोटरबाइक नहीं है तो ना तो मोटरबाइक भी साइकिल नहीं होगी ना, इंटरसेक्शन हो गया ना, तो सर फर्स्ट वाला तो सही लग रहा है, पहला वाला गलत, कल मोटरबाइक नहीं है मगर मोटरबाइक पे साइकिल हो सकता है ना, अरे तो जो सर अगर मोटर बाइक साइकिल होगा तो साइकिल मोटर बाइक होगा तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यस सर, एग्जैक्टली ना बेटा, इसलिए तो पहले वाले का देखो, नो मोटर बाइक इज वॉच, तो मोटर बाइक और वॉच के बारे में तो हमसे कोई कहानी कही नहीं है, इसलिए हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, चमका नहीं सर, इस नॉलेज में मोटर बाइक और वॉचेस के बारे में कुछ बात की गई है क्या? तो क्या हम मोटर बाइक और वॉचेस के बारे में कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ मैंने कट्टा लगा दिया, ठीक है, सेकंड लाइन पे आया, हमने साइकिल मोटर बाइक नहीं है तो कोई भी मोटर बाइक साइकिल भी नहीं होगी सर, हाँ बेटा सर, पर मोटर बाइक और वॉचेस का वेन डायग्राम तो अलग है तो वो सही होगा ना फर्स्ट स्टेटमेंट, वो अलग नहीं है, अभाव में बनाया गया है, ये अभाव इंफॉर्मेशन का अभाव है, किसी ने कुछ बताया नहीं इन दोनों के बारे में, समझ रहे हो? So, means, अगर question में information नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी अपने हिसाब से conclude नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अपने हिसाब से, कैसे अपने हिसाब से तो करेंगे अगर तो फिर तो ये सारी बेवकूफियों वाली बात है, ठीक है श्योर, साइकिल पे मैं अपना टाइम थोड़ी ना देखूंगा, राइट और नॉट, बेटे आपकी आवाज पूरी कट गई, मेरे को बिल्कुल नहीं सुनाई, बेटा मेरे को आपका थोड़ा लैग है सर, वॉइस कट गई, हाँ बिल्कुल कट गई, और कुछ देखो इसलिए बोलता हूँ, अगर तुम बोलने से पहले बोल दोगे ना, ठीक है सर शुभांगी, तो फिर उसके बाद बोलोगे तो मैं बाद में रिफर कर सकता हूँ शुभांगी जो आपने बोला था, ठीक है, या सर आदित्य, तो यू गेटिंग माय पॉइंट सर, मेरे को एक डाउट है, हाँ बोल बेटे, सर सेकंड में भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन के साथ, मतलब नो मोटरबाइक इज साइकिल के बारे में, यस सर उसमें तो नो साइकिल इज मोटरबाइक को भी हमने कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल मोटरबाइक नहीं है, हां है ना, इसका मतलब कोई भी मोटरबाइक साइकिल भी नहीं है, क्योंकि साइकिल और मोटरबाइक में कोई भी मिलाप नहीं है ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हां दोनों तरफ से होगा ना भाई,
सर हाँ बेटे सर ये जो आपने वेन डायग्राम बनाया तो सिलॉग जो ये टॉपिक है इसमें हमेशा वेन डायग्राम एक्यूरेट आंसर देगा हाँ हमेशा अच्छा आंसर देगा आसानी से समझ में आ जाएगी चीज देखो क्या हो रहा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करनी है आपको रिफ्लेक्ट करने के दो तरीके आते हैं या तो वर्ड्स में लिख लो अरे वर्ड्स में तो उसने लिख के दिया है ना तो आप याद कैसे रखोगे इन्फॉर्मेशन को वो याद रखने के लिए ये चित्र है समझ रहे हो यस सर ठीक है एक और क्वेश्चन करेंगे और भागेंगे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया भाई क्या बोलते हो सर फर्स्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आया फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो मोटर बाइक इज वॉच तो भाई क्योंकि कहानी में हमें वॉच और मोटर बाइक के बारे में कोई रिलेशन नहीं दी है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये सच बोल रहा है या झूठ समझे यस सर ओके एक और कर लो फटाफट अरे यार बंद ही हो गया चलो मन नहीं है अब उसका छोड़ दो अब छोड़ दो अब तो छोड़ ही दो गया बहुत ढूंढना पड़ेगा यार ठीक है एनीवे सभी लोग अपना नाम चैट में लिखें अच्छे से और फिर जाएं बिना उसके नहीं जाना रहने सहने में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई आते समय अभी भी लिखो आते समय भी लिखो जाते समय भी लिखो बंक करने वाले भी तो पकड़ में आने चाहिए सर हाँ सर मेरी आईडी काम ही नहीं कर रही है कौन सी आईडी काम नहीं कर रही बेटा एनटीएससी के लिए जो ठीक है तो आपने शायद मुझे मैसेज किया था बेटे यस सर मैंने किया था अच्छा ठीक है मैं करवा दूंगा ठीक है सर मेरी भी नहीं कर रही थी सर उसको लॉग आउट करके लॉग इन करने पे होगा अच्छा ठीक है भाई देख तू लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई कर ले वरना मैं तो करवा ठीक है थैंक यू सर हैव अ नाइस डे नो प्रॉब्लम देखो कितना अच्छा ही है गेट लॉस बोलने का तरीका भाई का सर बस एक लास्ट चीज पूछनी है पूछ बेटे पूछो पूछो सर मैं पूछ रही थी कि आपने कहा ना कि वेन डायग्राम से हमेशा हमारा आंसर आएगा तो अभी जैसे आपने वेन डायग्राम बनाया ना तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा तो उसके हिसाब से तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना क्यों नो वॉच इज साइकिल तो नो मोटर बाइक इज वॉच ये कहां लिखा हुआ है मोटर बाइक और वॉच के रिलेशन के बारे में कहां लिखा हुआ है कहानी में बताओ हां सर नहीं लिखा हुआ है ना तो ये नॉन रिलेटेड बात है ये यही सब तो ये नॉन रिलेटेड बात है ठीक है बेटा सर हाँ सर इसमें लिखा है नो वॉच इज साइकिल मतलब कोई भी वॉच साइकिल नहीं है और फिर लिखा है ये मतलब होगा कोई भी साइकिल वॉच भी नहीं है आया ना यस सर बढ़िया सर उसके बाद फिर लिखा है कोई भी साइकिल मोटर बाइक नहीं है तो फिर कोई भी वॉच अगर साइकिल नहीं है तो फिर कोई भी वॉच मोटर बाइक भी नहीं है ऐसे कैसे सारी दुनिया में मोटरसाइकिल साइकिल थोड़ी ना है वॉच और मोटरसाइकिल तो हो सकती है ना ध्यान से सुनना सुनो कोई भी साइकिल को आम मान लेते हैं ठीक है ऐसे लिखते देखो नो वॉच इज साइकिल की जगह लिखूं मैं No arm is yellow. हाँ है ना? तो कोई भी आम पीला नहीं है ठीक ओके क्लियर यस क्लियर आगे बोलता है No bike is yellow. ठीक है तो आम बाइक हो सकता है ना या नहीं भी हो सकता है हमें कोई जानकारी नहीं दी भाई इस बारे में तो हम कौन होते कमेंट करने वाले समझे यस ठीक है सर अगर पूरा चीज देख देगा तो फिर तो इजी हो जाएगा ना सॉल्व करना हाँ ठीक है तो फिर सर अजम्पशन जिस पे काम नहीं करेगा नहीं सिलोजिज्म में अजम्पशन तो आप लॉजिक पे लेते हो ना बेटा लॉजिक तो सिलोजिज्म में चलता नहीं है इंफॉर्मेशन चलती है जो लिख के दिया है वो मान के करना है आपको yes, sir. ठीक है
अगर कुछ अलग होगा तो मैं करवा भी लूंगा बढ़िया आराम से, ठीक है? Yes, sir. मैसेज कहाँ भेजा, मेरे को तो मिला ही नहीं यार, कुछ भी बोल रहा तू। व्हाट्सएप पे भेज दिया है। नंबर बोल दे रहा सर, 7999839073। हाँ वो तो मेल, वो भेजा तुमने, जीमेल भेजा? नहीं सर, मैं आपको वो मेल भी भेजा था, आप देख सकते हैं। अरे ये लॉगिन नहीं हो रहा उसके लिए बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ ये समझ गया मैं, मेरे को लगा कि और भी अलग प्रकार के सिलोजिज्म में उस बारे में बात कर रहे हो आप, वत्सलो, ठीक है? नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय 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 बाय, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय।